बलिया से टिकट कटने के बाद सुरेंद्र सिंह का बीजेपी सांसद पर बड़ा आरोप। सुरेंद्र सिंह ने वीरेंद्र सिंह मस्त को बताया भूमाफिया। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त पर लगाया है टिकट कटवाने का आरोप भी। बड़े ही चर्चित रहे हैं, हालांकि आप बलिया के बैरिया से विधायक रहे, लेकिन आपकी चर्चा आपके बयानों के लिए देश भर में होती रही। अब आप ये बताइए, आप इतने चर्चित रहे, सब रहे और पार्टी ने टिकट काट दिया, क्या हो गया इसमें? हो सकता है कि पार्टी की दृष्टि में जिसको वो लोग भेजे हैं वो हमसे अच्छे दिखाई दे रहे हों, इसलिए भेजा होगा। लेकिन ये तो जनता ना तय करेगी कि मैं अच्छा हूँ कि वो अच्छे हैं, ये तो जनता तय करेगी। सुरेंद्र सिंह की राहें बदल सकती हैं, चर्चा ये भी है क्या समाजवादी पार्टी की ओर? ऐसा है, सुरेंद्र सिंह सवर्ण कुल में पैदा हुआ है, ये गर्व की बात है। उससे भी बड़ा गर्व की बात है कि सुरेंद्र सिंह क्षत्रिय बालक है, क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, और क्षत्रिय बालक कभी याचना करके राजनीति नहीं करता है। मैं न पैर छू करके राजनीति करता हूँ, न किसी का जूता छू करके राजनीति करता हूँ, पराक्रम के बल पर राजनीति किया हूँ और करता रहूँगा। वीरेंद्र सिंह मस्त जो है वो आपका टिकट कट गया है, वहाँ के सांसद हैं उनका वो जो है पशु मेला की जमीन जो है 25 एकड़ जमीन अपने भांजे के नाम से जो है जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे, उसको मैं कब्जा नहीं हूँ। सांसद वहाँ के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त इस पूरा हम पूरे शीर्ष नेतृत्व को तक लिख करके दिया हूँ, सबसे बड़ा भूम माफिया है। भू माफिया आप क्यों कह रहे हैं, आपकी पार्टी के सांसद? ओ खुशी के मैं तो पार्टी में होते हुए मैं आरोप लगाया था। सबूत क्या है इसका कि भू माफिया? अरे पूरा डॉक्यूमेंट्स में दिया था। तो क्या हुआ उस पर, कोई कार्रवाई? अब कार्रवाई हो ना हो अपना धर्म में पूरा किया था। आपके टिकट कटने में उस पर मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ। लड़ रहे हैं टिकट कटने में, क्या उनका कोई हाथ है? जरूर होगा, शीर्ष नेतृत्व को मोटिवेट करने में उनकी भूमिका, उनकी अहम भूमिका है। क्यों आपसे इतना नाराज रहते हैं वो, इसकी वजह? अब क्या बात, अभी फिर पढ़े लिखे आप आदमी है, पशु मेला वहाँ पर 200 वर्षों से लगता है, उसी मेला की जमीन को वर्तमान भाजपा के सांसद जी हड़पना चाहते थे, मैं हड़पने नहीं दिया 5 वर्षों तक, यही तो दुराव का कारण है। लेकिन चुनाव के बाद मैं उस पर अनशन पर बैठूंगा। फिर बैठेंगे अनशन? फिर बैठूंगा सांसद के खिलाफ अनशन? बिल्कुल, कि जो है उस जमीन को जो है सार्वजनिक जमीन घोषित किया जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।